कंप्यूटर ना एक मजदूर है मेरे सच में। मेरे फादर की मंथली इनकम 10,000 रहती है। जब भी तुम किसी चीज की तैयारी करो, मान लो तुम किसी कंपनी की तैयारी करो, पहले उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करो कि तुम कर सकते हो। बड़े लोग कहते हैं ना कि समय निकल रहा है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। फाइनली 5-6 महीने बाद हमारा कोई ब्लॉग वीडियो आ रहा है। तो यार आज हम जाने वाले हैं IIT मद्रास, जहाँ पे हमारा एक सेमिनार है, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले बच्चों के साथ DSA, ब्लॉकचेन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी। तो आज रात मैं सोया नहीं, क्या एक्साइटमेंट की वजह से नहीं, मैं बिजी हो गया। किस में बिजी हो गया, मैं यूट्यूब चला रहा था, एक शार्क टैंक की क्लिप आई, उसके बाद नेक्स्ट, और सुबह के 4:30 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। अभी हमारी हालत कुछ ऐसे है, आंखों में थोड़ा डार्क सर्कल तो हो रखा है, देखते हैं इसको कैसे मैनेज करते हैं अपन लोग। पहले मैगी बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो चलो मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। आज आपके न्यू कुकिंग लेसन है मैगी कैसे बनाए। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. We are done with Maggie. Ab jaldi se dress wagera change karte hain. Nana to hai nahi aaj, kyunki main raat ko hi nahi aaya tha. Ye engineer ki psychology, agar raat ko na aaya to man na ho. See here, I should celebrate, think I could change my mind. Maybe elevate. तो भाई अपन लोग हो चुके हैं पूरे रेडी, आई थिंक सही लग रहे होंगे। और अभी ऊबर आने में 5 मिनट है। गाइस इसके लिए डोनेट करो, स्क्रीन टूटी हुई है पूरी। एक तरीका है भीख मांगने का, तो आप लोग जितना ज्यादा डोनेशन करोगे मैं नया मोबाइल ले पाऊंगा। ओके तो ये अपनी सोसाइटी के बाहर का माहौल है। कल मुंबई का मैच था, गुजरात से हार गई, बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। सुमन गिल ने क्या खेला भाई, अगर मैं अभी बोलूं ना, इंडिया में 3 T20 बैट्समैन चूज करो जो बेस्ट है, पहले मैं सूर्य कुमार को रखूंगा, दूसरे में सुमन गिल, तीसरे में विराट कोहली। भाई ये ड्रीम फॉर्म में, अगर इनमें से कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चल गया भाई, इंडिया आराम से जीत जाएगा, आराम से। सूर्य कुमार शायद है नहीं, वो स्टैंड बाय में, बाकी सारे प्लेयर हैं। हमने ले लिए एयरपोर्ट के अंदर एंट्री आसानी से, अगर हमारे पास सिर्फ हैंड बैगेज हो ना तो एंट्री जल्दी मिल जाती है, आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की। तो सुबह सुबह भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो खाना खाने आ गए यहाँ पे KFC में ही, नॉन वेज सुबह सुबह, भगवान पाप लगाएगा। अपने फ्लाइट का टाइमिंग हो चुका है, तो उस पर बैठने की तैयार है, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, फ्लाइट पर सुलाऊंगा, 2 घंटे की फ्लाइट है, फिर आपसे मिलता हूँ जैसे एयरपोर्ट में पहुँचूंगा। खाना तो खा लिया, पेट भर गया, चलो दिखते आगे। यहाँ पे प्राइवेट जेट वाली फीलिंग आ रही होगी आपको, पीछे अगर देख पाओगे, बहुत छोटी फ्लाइट है ये वाली। तो भैया अपना आ गया कैब, हम पहुँच गए चेन्नई एयरपोर्ट। अब यहाँ से जाते पहले होटल, और थोड़ा भूख वगैरह भी लगा है। ये अपना एयरपोर्ट के नज़ारे हैं, लोग भी मुझे जज कर रहे होंगे कैसे ब्लॉग बना रहे हैं। और हम पहुँच चुके अपने होटल में, होटल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अगर आपको दिख पा रहा है। चेक इन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं IIT मद्रास को। ये रहा अपना चमकता हुआ रूम, ये थोड़ा मैंने कपड़े बिखेर दिए इधर, ये 2 बेड हैं पर मैं सिंगल ही हुआ है यहाँ पे, और इधर TV वगैरह है, और ये अपना वॉशरूम वगैरह नहाने होने का, ये फिर से फोटो। इसके बाहर का व्यू अच्छा नहीं लगेगा शायद आपको, पर मेरे को अच्छा लग रहा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है बाहर पे, इस पर जाएंगे अभी नहाने अगर टाइम मिला तो। बेसिकली अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अपलोडिंग पे 12:30 तक यहाँ से निकलना है, बच्चे पिक करने आ रहे हैं मुझे कार में, तो यहाँ से सीधा IIT मद्रास जाना है, इसके बाद सीधा। होटल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्पीड बहुत कम आती है, इसलिए मैं अपना पर्सनल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी बड़े होटल में भी चले जाओ ना, वहाँ भी बहुत कम स्पीड आती है। फ़ोन की अपलोड स्पीड देख लो, 0.08 MBPS, इससे क्या ही होगा यार, ये तो अपलोड ही नहीं हो पाएगा फिर वीडियो। और हम हो चुके हैं सेमिनार के लिए रेडी, शायद सही लग रहा। ओके सर, थोड़ा प्रेस नहीं हो रही क्या? फ्लाइट में आ रहा था तो थोड़ा वैसी हो गई, पूरी प्रेस ही निकल गई उसकी, शायद हो जाएगी एडजस्ट, नहीं होगी तो चलेगा अपना। ओके वैसे भी बिना प्रेस के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो अब बच्चों को मिलेंगे IIT मद्रास में, बच्चे पिकअप करने आने वाले हैं, उनके साथ सीधा IIT मद्रास जाएंगे, शायद 1:30-2 बजे से अपना सेशन स्टार्ट होगा। वहाँ पे उनको ज्ञान देंगे DSA वगैरह सब चीज़ का, जो भी उनके क्वेश्चन होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे अच्छे से। और काफी मजा आने वाला है, मेरा सेकंड इवेंट है, पहला मेरा गाजियाबाद में होता, सेकंड मद्रास में। एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट स्पीड इतनी कम आ रही है, मेरी वीडियो ही अपलोड नहीं हो रही तब से, देखते हैं कब तक होती है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से IIT मद्रास, और हमारे साथ हैं 3 गजब के लड़के जो हमको लेने यहाँ पे आए हैं, पहले भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, अपना इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं अपने गाड़ी में। तो हमने रखा था एक छोटा सा मीटअप IIT मद्रास के अंदर, और देखो कितनी प्यारी ऑडियंस आई है।
अब दो मिनट चलो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको डियर ना। हाँ डियर ही डियर है आईटी मद्रास में, ये मुझे बहुत ही अमेजिंग चीज लगी। चलते फिरते मिल जा रहे भाई। ये देखो भाई डियर, कैंपस तो बहुत मस्त है। मस्त जगह है, देखो सीधा डियर यहाँ पे दो आगे हैं, तीन उधर हैं, बाकी इधर हैं बच्चे। इनका इवोल्यूशन नहीं हुआ था, बीच में रुक गए थे सब। ये है आईआईटी मद्रास का मूवी एरिया, यहाँ पे मूवी चलेगी रात को बिल्कुल प्रोजेक्टर के साथ। भाई साहब मैं टीयर 3 कॉलेज में था, वो था बिल्कुल पहाड़ों में, जैसा आपको कॉलेज यहाँ पे प्लेन में है पर यहाँ पे जंगल है। मेरा कॉलेज था पहाड़ों में, वहाँ पे अलग अलग जंगल और इतना अच्छा माहौल, मतलब बहुत टूरिस्ट प्लेस था पूरा। तो कॉलेज अच्छा था सिर्फ रहने के लिए, टूरिस्ट के लिए, रहने के लिए नहीं। आप में से ना 60-70% लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लिटरली ये मैंने फील किया। फिर भी हम लोगों को ना सोअप करते कि नहीं मैं इतना गरीब नहीं हूँ, थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को पुश करते हैं कि लोग मेरे अगल बगल वाले लोग मुझे पसंद करें। तो सेम चीज मैं भी करता था, मेरे फादर की मंथली इनकम 10,000 भी रहती होगी कि मेरे फादर किसान थे, लेकिन मुझे उस टाइम पे स्कॉलरशिप मिलती थी। आप स्कॉलरशिप आप ऐसे बोल सकते हो कि अंधों में काला राजा ढूंढने दो, अब उनको मैं मिल गया। देखो पेरेंट्स वैसे पैसे नहीं देते किसी को भी, तुमको अगले पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए पेरेंट्स एकदम हाँ बोल देंगे। तुम बोलोगे पापा फोन चाहिए, नहीं पापा एक बढ़िया वाला लैपटॉप चाहिए, बढ़िया वाला नहीं दिलाएंगे एक छोटा वाला दिला देंगे, बस दिला देंगे। मैंने भी यही बोला कि पापा गेट की तैयारी करनी है सेकेंड ईयर में ही, ऐसे ही बोल दिया। और जो मेरा कॉलेज था ना वहाँ गेट की तैयारी फ्री में होती थी, तो घर वाले ने पैसे भेज दिए, मैंने ज्यादा भी नहीं मांगे, 12,000 के अराउंड मांगे थे मैंने। तो मैंने बोला 12,000 आ गए, इसके सप्लीमेंट ले लेते हैं, बॉडी बनाएंगे। बॉडी तो बनी नहीं, मोटा हो गया था पर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो ऐसे आप में से भी बहुत सालों के साथ होता होगा, ये चीजें बहुत कॉमन है। जब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, जैसे आप डेटा साइंस या फिर जो भी ईयर में हो, ओके, अभी आपको शायद महसूस नहीं होगा, अभी आपको लग रहा होगा यार अभी मैं बच्चा हूँ अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, अभी मैं बच्चा हूँ लाइफ को एंजॉय करता हूँ। बड़े लोग कहते हैं ना कि समय निकल जाता है, पर सच में समय ना बहुत जल्दी निकल जाता है। तुम खुद सोचो, एक बार खुद को इमेजिन करो, तुम स्कूल में हो, तुम्हारे स्कूल का टाइम कितनी जल्दी निकल गया। अब मैं सोचता हूँ मैंने बीटेक भी किया एमटेक भी किया, मुझे लग रहा है मेरी कॉलेज लाइफ कितनी जल्दी खत्म हो गई। जब फाइनल ईयर में आओगे उस टाइम पे तुम चेंजेस देखने स्टार्ट करोगे, कुछ बच्चे सीरियस होना स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, अब हर कोई अपना नया नया पाथ बनाएगा। देखो तुम में से सक्सेस सबको मिलेगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, जो एफर्ट मारेगा सक्सेस सबको मिलेगी, या तो आज मिलेगी या कुछ दिन बाद मिलेगी या कुछ सालों बाद मिलेगी। क्योंकि जो मेरे बैच में भी बच्चे थे जो पढ़ने वाले थे, किसी को 1 साल बाद मिली, किसी को 2 साल बाद मिली, किसी को 3 साल बाद मिली, पर सक्सेस सबको मिली। फिर तुम्हें ना झटका लगता दिमाग में यार मैं कर क्या रहा हूँ डायरेक्ट के साथ, और जब मैं घर जाऊंगा अभी पास आउट होने के बाद तो सबसे पहले तो रिश्तेदार आएगा घर पे, बोलेगा हाँ भाई। देखो रिश्तेदार कभी तुम्हारी खुशी में नहीं आएगा कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, कभी नहीं बोलेगा कुछ। जैसे जैसे पता चल गया शर्मा जी के बेटे ने चोरी कर ली, सबसे पहले पहुंच जाएगा फिगर, यही होता है ना सबके यहाँ, और उसके अराउंड गॉसिप कितनी होती है, यही करते हैं सब लोग। तुम्हारे अंदर का ना कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा, जब इंसान के पास जॉब नहीं होती ना उसका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। मेरे साथ के काफी बच्चे ऐसे हैं, 3-4 साल पास आउट हो गया हूँ मैं, बी टेक मैंने कब कंप्लीट कर लिया था, 3 साल पास आउट हो चुका हूँ। अब मैं उन बच्चों को देखता हूँ, वो मेरे दोस्ती थे, ऐसे नहीं था कि वो बिल्कुल अलग थे, मेरे दोस्ती थे, पर वो खुद को ना ग्रो नहीं कर पाए टाइम के साथ, मतलब उनको लगा कि वही उनकी दुनिया। और अब मैं उन्हें देखता हूँ ना जो उनका कॉलेज का जोश यहाँ हुआ करता था, अब उनका बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है बहुत ज्यादा। तो मैं यही कह रहा हूँ तुम खुद को उस पोजिशन में आने न दो कभी भी, वरना जो ये पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले कोर्स है ना ये उन्हीं के लिए बने। तो देखो
यहाँ पे तुम सिंपल सी एक चीज पूछो, कंप्यूटर ना एक मजदूर है मिले, सच में कंप्यूटर एक मजदूर है, उसको सिंपल मुझे ये बताना है कि तुझे क्या काम करना है, मैं तुझे बेसिक चीज बता दूंगा। मान लो एक मजदूर एक कंप्यूटर है मेरे पास, मैं उसे चाय बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने उसे एक कप चाय बनाना सिखा दिया, अब मैं बोलूंगा तुझे यही चाय 100 बार बनानी है, यही चाय 100 बार बनानी है, तो पहले मैंने उसे सिखा दिया कि पहले एक पतीला लेना, फिर पानी डालना, फिर चाय पत्ती दूध चीनी ये सब डालना, उसको गर्म करना इस आंच में 100 डिग्री 200 डिग्री, उसके बाद उसको बरोस देना। तो एक बार मैंने उसे सिखा दिया कि तुझे जो भी काम करना है ऐसे ही करना है। अब कंप्यूटर ने जो तुमने कंप्यूटर को सिखाया, कंप्यूटर का काम है कि वही काम उसे 100 बार करके दिखा दे, यही काम होता है। जब भी तुम किसी चीज की तैयारी करो, मान लो तुम किसी कंपनी की तैयारी करो, बढ़िया एमएनसी की, तुझे 20 लाख का पैकेज क्रैक करना है, 30 लाख का करना है, तो पहले उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करो कि तुम कर सकते हो। ये मैं ऐसे ही बोला हूं, चीजें रियल बाद में बनेंगी, पहले तुम्हें उनको इमेजिन करना शुरू करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। अब कॉन्फिडेंस आने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, तुम्हें थोड़ा पछताना सा लगेगा, जो भी तुम्हारा ड्रीम है ना उसको दिन में 10 से 15 बार रिपीट कर दो अपने मुंह से। अगर तुम्हारा ड्रीम है ना कि मुझे गूगल क्रैक करनी है या फिर मुझे 20 लाख से ऊपर का पैकेज क्रैक करना है, खुद को वो चीजें 20 बार 15 बार बोल के दिखाओ। उससे क्या होता है, मैंने बुक पढ़ी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें मैंने ये बात भी पढ़ रही है, उससे ये होता है जो चीज हम बार बार बोलते रहते ना वो हमारे दिमाग के अंदर घुस जाता है हमेशा के लिए। तुम सो के हो ना, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घूमता रहेगा और उसी के प्रति तुम एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे फ्यूचर में। तो जो भी ड्रीम देख रहे हो ये बिल्कुल सोचो, मुझे पता है अगल बगल वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे आज बोल दूँ किसी को माइक पकड़ा के और उसने बोल दिया कि भाई मुझे 50 लाख का प्लेसमेंट किए या मुझे 1 करोड़ का प्लेसमेंट किए, और वो उसके बाद अपने रूम पे गया तो उसका दोस्त पकड़ेगा, हाँ भाई 50 लाख। मैं एक चीज और है, जैसे कि बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं, लाइक मेरी इस डिग्री के अलग भी मेरा कोई कोर्स चल रहा है अदर ऑनलाइन, एंड साथ में मेरी एक जॉब भी चल रही है, साथ में एक कुछ फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, तो और मतलब एक साथ ये सब चीज करते करते बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इस चीज में मैं टाइम मैनेजमेंट में किस तरीके से करूँ, अभी तक तो कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो भी जाता है, तो कभी कभी लाइक ऐसा लगता है कि अब नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा, तो उस चीज को कैसे मैनेज करूँ? इसका आंसर तो मैं कल पूरी रात सोया नहीं हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट भी खराब है। ये चीज ऐसी है कि जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, जो प्रायोरिटी में जो चीज है ना उनको पहले कर लो, सिंपल, ताकि रिग्रेट ना रहे। जो प्रायोरिटी वाली चीज है उनको पहले कर लो, जो नॉन प्रायोरिटी वाले वो ना भी हो ना थोड़ा बहुत रिग्रेट तो होता ही है। तो इसमें मतलब प्रायोरिटी में तो मेरी दोनों चीजें, मेरी जॉब भी प्रायोरिटी में और मेरी स्टडी प्रायोरिटी में, क्या करूं? तो फिर सही, हम तो आगे का कोर्स करेंगे। आईआईटी मद्रास आके काफी मजा आया हमको, आज बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फन किया, काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ बच्चे छूट गए, ऐसे मिल नहीं पाए, ठीक है, इन्होंने थोड़ा चाली की दिखाई, कमी बच्चों को लिया, ठीक है, क्योंकि यार सीटें लिमिटेड थी, तो उसके लिए यार मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने काफी पूरा कॉलेज एक्सप्लोर किया और हिरन देखे, जानवर देखे काफी, इतना तो मैंने पहली बार ही देखा, और कॉलेज बहुत ही बड़ा है इनका, आईआईटी मद्रास बहुत ही बड़ा है, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू लाइक डू इट इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ठीक है, तो हमें काफी मजा आया, मुझे सच में मजा आया, बच्चों के साथ काफी इंटरेक्शन हुआ, मजा आया, हमें भी मजा आया, बहुत मजा आया, मिलते हैं जल्दी ब्रो। अब हम जा रहे हैं चेन्नई को एक्सप्लोर करने, अभी थोड़ा पार्टी वगैरह करने। तो आज हो चुका नया दिन और मैं सो के उठ चुका हूँ, मेरी जो नींद थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप देख रहे हो हल्के से डार्क सर्कल रह रखे हैं। तो अब चलते हैं हम ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट बचा है, अपनी फ्लाइट है 12:20 की, 9 बज के हैं, देखते ब्रेकफास्ट मिलता नहीं मिलता, करने चलते हैं, दिखाते हैं आपको इन बड़े होटल में खाना कैसा होता है, होता तो नॉर्मल ही है। ये देखो इतनी सही नजर, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है अभी यहाँ पे चेन्नई में, सुबह सुबह अभी मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रखा है। मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है, मैंने यहाँ आने से पहले ही कटाए थे, पहले का ज़माना सही था यार, जब हम स्कूल वगैरह में 30-40 रुपये लगते थे, पूरे बाल कट जाते थे, अब यहाँ इतना महंगा है क्या ही बताऊँ। हैदराबाद में मतलब तुम कहीं भी जाओ, मेरी दाढ़ी भी नहीं है भाई, उसके भी पैसे ले लेते भाई लोग, थोड़ा फन वे में बोला। ओके, तो अभी हमारी फ़्लाइट है 12:20 की, 9:30 हो चुके हैं, आई थिंक रेडी हो जाना चाहिए अपने को,
चलने के लिए सामान वामान पैक कर लेना चाहिए, सामान वैसे ज्यादा है नहीं अपने पास। हवा चल रही है बहुत प्यारी सी, यहाँ पे पूल है बहुत प्यारा सा है पर छोटा सा है, सब बढ़िया तो सोसाइटी में ही है। काफी अच्छा लगा है यहाँ पे आके आई टी मद्रास में, काफी हैप्पी वाली वाइब्स आ रही है मुझे तो। और इस तरीके से करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड, काफी मजा आया मुझे। अब मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ पे वापस एयरपोर्ट पे, मैं पहुँच चुका हूँ, काफी बढ़िया लगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back.